इसकी हकीकत जानेंगे आज, और इसकी सारी सच्चाई, इस पूरे इंस्टीट्यूट की सारी सच्चाई जानेंगे, और एक टीचर पूरे स्कूल को कंट्रोल नहीं कर सकता है। आज की हकीकत आज पूरा कंट्रोल करके जाएंगे। इस फोनों में एक ओबीपी आईसी लगी हुई होती है, कोई बता सकता है वो किस सेक्शन में लगी हुई होती है? बीवेट होती है और एक बीपीएच लाइन होती है, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं, एक किस्म से बोल सकते हैं। तो बीपीएच जो लाइन है वो प्राइमरी लाइन होती है, फिर सेकेंडरी लाइन होती है, कोई बता सकता है? तो फ्रेंड मैं खड़ा हूँ एशिया टेलीकॉम के सामने, और उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये इंस्टीट्यूट एमपी में पड़ता है जबलपुर। तो और यहाँ पर आने जाने का भी रास्ता बताएंगे, कुछ लोग नहीं जानते हैं वो कॉल करके भी आ सकते हैं। बाकी का हम सब कुछ दिखाएंगे यहाँ से, कहाँ पर इनका इंस्टीट्यूट है, क्या क्लास है और कितनी क्लास है और क्या क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको सर से मिलाता हूँ, ये है एशिया टेलीकॉम के ऑनर सर। थैंक यू वेरी मच और वेलकम टू यू आपका, कि आप इतनी दूर से आए मलिक सर, थैंक यू वेरी मच और थैंक यू। और मेरे साथ एक और सर है जो अभी वीडियो ले रहा है, अभी नाम आपको पता चल जाएगा आगे। तो आप देख रहे हैं ये बिल्डिंग है हमारी, और ये पूरी बिल्डिंग हमारी है, और इसमें जितने भी फ्लोर हैं उन सब पे अभी हम ही हैं फिलहाल। और फिलहाल हम किस फ्लोर पे काम कर रहे हैं आपको लेके आते हैं, आइए। तो यहाँ पर ये एक मच्छी मार्केट है, और काफ़ी अच्छा और स्वच्छ मच्छी मार्केट है, और यहाँ पर जो भी लोग काम करते हैं काफ़ी अच्छे हैं, आप देख सकते हैं। और इनकी वजह से जो ये मच्छी मार्केट है, इनकी वजह से यहाँ पे काफ़ी साफ सफाई रहती है और असामाजिक तत्व बिल्कुल नहीं आता है यहाँ पर। ये हमारी बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं यहाँ पर दो यहाँ पर लगे होंगे सर्विस सेंटर, यहाँ पे बोर्ड लगे होंगे, ठीक है। एक चीज़ मैं यहाँ पे घुसने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ आप आएंगे तो पहले आप कॉल करके आइएगा, क्योंकि हमारे यहाँ विजिटर अलाउ नहीं है, क्योंकि हमने कोई ऐसा सिस्टम नहीं बिठा के रखा है कि आप आएंगे और हम आपको आंसर देंगे। आप हमारे यहाँ कॉल कीजिए और कॉलिंग पे सारी बातचीत पता पक्का कीजिए, उसके बाद हमारे पास आइए, क्योंकि यहाँ पे सारे टीचरों के बाद ना पढ़ाने का समय है खाली। तो अब यहाँ पे एंट्रेंस में आ जाइए। तो ये एंट्रेंस है हमारी, ये हमारे मीटर्स लगे हुए हैं बिल्डिंग के, ये पूरी बिल्डिंग एशिया टेलीकॉम की ही है। ये हमने अभी नया लगवाया है ताकि सामने के लोग यहाँ पे झाके नहीं। और ये देखिए, तो सबसे पहली बात बता दूं, हम फॉलो करते हैं रूल्स। सबसे पहले कि हम क्लासेस में चप्पल या जूते कभी नहीं ले जाते हैं, बिल्कुल नहीं। और रीजन क्या होता है कि जहां लक्ष्मी या जहां काम का वास होता है वहां पे कभी नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पर एक लैब आप देख सकते हैं, ये प्रैक्टिकल लैब है, एक लैब ये देख सकते हैं थोड़ी लैब है। तो पहले थोड़ी लैब दिखा देता हूं, आइए। तो अभी स्टूडेंट को छुट्टी दी हुई है, आइए राकेश सर यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको ये हमारा, यहाँ पे हम लाइव प्रैक्टिकल स्टूडेंट को करके दिखाते हैं, ये उनके अभी भी सेट है जो आज हमने लाइव डायग्नोस किए ये सारे। और यहाँ पर हमारे टीवी लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, ये हम मल्टीमीटर्स ताकि दूर से भी दिख सके, नहीं तो लोगों को, लोग इतनी दूर से मल्टीमीटर दिखाते हैं, दिखता कुछ भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे स्मार्ट टीवी, जो भी चीज पढ़ाते हैं ये स्मार्ट टीवी के थ्रू आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये स्मार्ट पैनल के थ्रू यहाँ पे पढ़ाया जाता है सारी चीजें, तो इस टीवी के थ्रू पढ़ाते हैं। अब इसके बाद ये हमारा बैठने का है, जिसमें यहाँ पर एसी पूरा आपको एसी मिलेगा। और ये हमारे सर्टिफिकेट हैं, सर्टिफिकेट दिखा दीजिए, और भी हमारे बहुत सारे सर्टिफिकेट हैं। ये हमारे, ये सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं एशिया टेलीकॉम के यहाँ पर, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारी प्रैक्टिकल लैब, मे बी हिंदुस्तान की एक बड़ी लैब, ये देखिए। तो ये लैब, पहले आप यहां से थोड़ा सा किनारे होके पूरी लैब आप जहां तक घुमा सकते हैं वहां तक घुमाइए। आप देखेंगे तकरीबन कितने माइक्रोस्कोप आपको दिखाई दे रहे होंगे, और जितने इधर होंगे उतने ही लगे। देखो, माइक्रोस्कोप की कमी नहीं है, एसएमडीज की कमी नहीं है, और ये सब बेचने के लिए नहीं है, सब स्टूडेंट के लिए है। सर मेरा एक सवाल है, यहाँ पर जो एसएमडी मशीन है वो 850 भी है और 857 भी है और 861 भी है, तो ऐसा क्यों है? 857 क्यों रखा है और ये अलग अलग प्रकार की क्यों रखी है? क्योंकि आपको अलग अलग रखा है ये, उसका रीजन बताइए थोड़ा। देखिए, रीजन ये है कि अगर मैं स्टूडेंट को खाली ये एसएमडी से पढ़ाऊं और तो मैं स्टूडेंट को एक ही चीज बोलूंगा और ये बोलूंगा कि भाई इससे बिना काम नहीं हो सकता, तो जो कि गलत है।
और मैं स्टूडेंट को अगर से पढ़ाऊं तो मैं यही बोलूंगा इसके बिना काम नहीं होगा, तो स्टूडेंट पे दबाव पड़ जाएगा इतनी महंगी एसएमडी खरीदने का। तो इसलिए मैंने तीनों एसएमडी रखी है कि तू जब आईसी निकाल रहा है तो कोई इसी भी एसएमडी से निकाल, तेरा काम ट्रक पे होना होगा। तो एक जो एक स्टूडेंट होगा उसको ऐसा तो नहीं है कि उसको एक सौंप दिया 850, बिल्कुल नहीं। तीनों स्टूडेंट की जगह स्थिर नहीं है, आप स्टूडेंट अपनी जगह भी चेंज कर सकता है अपनी सहूलियत के हिसाब से। अच्छा अच्छा, ये सीट क्लियर नहीं है, बिल्कुल कि ये सीट उसी बंदे की है, बिल्कुल। और सबको यहाँ पर टूल्स दिया जाता है, दीपक सर टूल्स दिखाइए, जैसे एक एक में क्या क्या टूल्स दिया जाता है, ये देखिए ये पूरी किट दी जाती है। और अभी तो स्टूडेंट ने पूरा खोल लिया है, बताओ सर। स्टूडेंट अपना काम कर रहे हैं जिसकी वजह से टूल अपना इधर उधर में पड़ा हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये मैकेनिक का हम लोग पीसीबी होल्डर देते हैं और एक कटर देते हैं और ब्रश देते हैं और इनको स्पेशली पर्टिकुलर एक मल्टीमीटर, कोई पीले कलर का मल्टीमीटर नहीं देते भाई। और जो राकेश जो इंस्टीट्यूट पीले कलर के मल्टीमीटर में पढ़ाता है, पहली बात तो उसको नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि पीले कलर के मल्टीमीटर में रेजिस्टेंस की वैल्यू नाप ही नहीं सकता है आदमी, हाई वैल्यू रेजिस्टेंस, उसमें हर रेजिस्टेंस ओपन दिखाई देंगे। बताओ सर। तो आपने जैसा कि देखा ये सारा टूल हम लोग अपने स्टूडेंट को देते हैं, बिल्कुल एक एमएमसी का पर्टिकुलर लेते हैं और यूनिवर्सल के लिए हम लोग जिसमें सीपीयू रिवॉल्व करते हैं, पहले दिन से लेकर चौथे दिन तक हम लोग इनसे सीपीयू रिवॉल्विंग करवाते हैं और चौथे दिन में सीपीयू भी निकाल के चालू करवाते हैं। यहाँ पे कैमरा दिखाइए, तीनों में आपको एसी मिलेंगे, पूरी फुल एसी क्लासेस है यहाँ पर। और ये हमारी यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकल बैठे हैं, ये तीनों जगह टीवी लगे हैं ताकि बच्चे हर कॉर्नर से टीवी पर देख सके यहाँ पर। और थोड़ा लैब दिखाइए यहाँ पर, एक टीवी पीछे भी लगा हुआ है, एक टीवी पीछे भी लगा हुआ है यहाँ पर, और फैंस अलग लगे हुए हैं। जहां भी देखेंगे आपको कोई भी ऐसी एसएमडी या माइक्रोस्कोप नहीं दिखेगा जो बंद पड़ी हुई है, ये सब चालू है और सारे स्टूडेंट बैठे हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने है ना 50 के ऊपर 55 के ऊपर स्टूडेंट बिठाए, क्योंकि कोरोना के बाद में एक नियम लागू हो गया था, तब से हम केवल 25 या 30 स्टूडेंट ही बिठाते हैं यहाँ पर। जी तो हाँ, टूल तो काफी अच्छे हैं, क्योंकि किसी किसी इंस्टीट्यूट में माइक्रोस्कोप है मगर उतना नहीं है, उतनी क्वालिटी नहीं है। और दूसरी बात, आयरन की बात बोलूं मैं, आयरन आपको ज्यादातर इंस्टीट्यूट में वही 50-70-80-100 रुपए वाला मिलेगा। यहाँ पर आयरन देखिए, मैकेनिक का जो भी टूल मिलेगा वो ब्रांडेड ही मिलेगा, एक किस्म से देख सकते हैं मैकेनिक का T12 Pro। यहाँ पर आयरन है और मल्टीमीटर सारी जगह, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पर नीला वाला मैकेनिक का या सनशाइन का हो या फिर पीला वाला अलग जगह हो, ऐसा कुछ भी नहीं, सारी जगह पर एक ही ब्रांड है और जो बेस्ट ब्रांड है वो सब कुछ। यहाँ पर बूट केबल भी सारे लोगों को मिलता है और पीपीडी, यहाँ पर पीपीडी मैंने देखा तो पीपीडी यहाँ पर बीएनआर का प्रीमियम क्वालिटी वाला पीपीडी मिलता है। राकेश जी एक बार बताना चाहूंगा, मलिक सर आओ, ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है कि हिंदुस्तान के इतने बड़े इंस्टीट्यूट एसर टेलीकॉम में, जहाँ पे हजारों बच्चे पढ़ के गए हैं और आज बहुत अच्छा नाम और पैसा कमा रहे हैं और जुड़े हुए हैं, उस इंस्टीट्यूट में आज एक टूजर से लेकर एक माइक्रोस्कोप तक और डीएसओ तक सब जेडेक्स मलिक सर का है, ये सब कुछ इनका खरीदा, इनका इनका ही है, यहाँ पर एक भी टूल कहीं से नहीं खरीदा है और इसीलिए जेन्युइन है, क्योंकि सर ने कभी भी कॉपी माल में सप्लाई नहीं की है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारे टूल हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि सारे टूल यहाँ पर दे रखे हैं, जो लोग मान के चलते हैं गरीब परिवार से भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल हाई लेवल के यहाँ पर टूल हैं उन्हें खरीदे। तो यहाँ पर सभी प्रकार के टूल हैं, सस्ते वाले भी हैं, महंगे वाले, बट जो आयरन है और जितने भी मेन प्रोडक्ट मेन यहाँ पर जो भी है वो सब कुछ ब्रांड में ही मिलेंगे आपको यूज करने के लिए, और सभी को बराबर, किसी को कि अगर कोई गरीब है जैसे अभी इन्होंने कहा या कोई ऐसा है तो उसे 300 वाला 400 वाला आयरन दे दिया और दूसरे को एक को माइक्रोस्कोप अच्छी वाली दे दी, एक को बेकार वाली, ऐसा यहाँ कोई भी भेदभाव किसी के साथ नहीं किया जाता, जो है वो सबके लिए है। अभी ये देखिए यहाँ पर पेट्रोल नहीं है, लिक्विड है, बहुत सारी जगह पेट्रोल मिलती है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है जीएसएम राकेश चैनल पर। तो फ्रेंड आज हम आए एशिया टेलीकॉम और आज एशिया टेलीकॉम की हकीकत जानेंगे, और हकीकत ऐसे नहीं जानेंगे, अभी तक आपने यूट्यूब पर वीडियो देखा होगा, वो देखा होगा रिव्यू से अलावा कि आप क्या कर सकते हैं। और सभी लोग ये बोलते हैं कि एशिया टेलीकॉम कुछ नहीं सिखाता और कैमरे के सामने तो हर कोई बोल देता है क्या मैं डबल टेकर कर सकता हूँ, फंड फाइंडिंग कर सकता हूँ, रीडिंग देखकर बता सकता हूँ कौन सा फॉल्ट कहाँ पर है, बट इसकी हकीकत जानेंगे आज, और इसकी सारी सच्चाई, इस पूरे इंस्टीट्यूट की सारी सच्चाई जानेंगे, और यहाँ पर सारे लोगों से रिव्यू ना लेकर इंटरव्यू लेंगे। और कुछ लोग यहाँ पर बैकअप के लिए आए हैं, जैसे कि मान के चलते हैं कुछ पीछे एक दो साल चार साल पहले कोर्स करके गए थे और
आप सब जानते हैं कि टेक्नोलॉजी हर साल थोड़ा बहुत चेंजिंग जरूर आता है, तो उसके लिए अपग्रेड होने के लिए फिर से आना पड़ता है। तो वो भी पूछेंगे क्या चार्ज लेते हैं और क्या है और क्या फिर बाद में सपोर्ट मिलती है या नहीं मिलती है। तो यहाँ पर पहले मैं बैकअप जो लेने आए हैं, जो लोग दोबारा से एक किस्म से पढ़ने आए हैं, उनसे बैकअप जानकारी ले लेता हूँ और पूछूंगा कि पहले क्या सिक्के गए थे और अब किस लिए आए और कहाँ से आए। और सारे लोगों का कॉन्टेक्ट नंबर भी देने वाले हैं इस बार, बिल्कुल आग लगा देंगे इस बार, सारे लोगों का कॉन्टेक्ट नंबर भी देंगे। जो भी व्यूवर होगा, जो भी आना चाहेगा, वो एक बार कस्टमर जो स्टूडेंट है उसको कॉल लगा, उसके बाद उनसे रिजल्ट लो। क्योंकि कमेंट मान के चलते बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि कमेंट नहीं कर पाएंगे और कमेंट डिलीट कर देते, डायरेक्ट कॉलिंग करो, कॉलिंग पर उनका पूछो क्या इंस्टीट्यूट बेस्ट है या फिर नहीं है, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो ये बैकअप के लिए आए हैं, सबसे पहले इनसे बात कर लेते हैं। सर सर मेरा नाम अभय गौतम है जी, मैं बाजू कटनी से आया हूँ, 100 किलोमीटर दूर से जी। जी सर, मैं 2018 में आ रहा, 17 साल की उम्र में, तब मैं एकदम जीरो रहा, सॉफ्टवेयर की क्लास में आया रहा मैं जस्ट, और उस टाइम मेरे से कुछ भी नहीं आता रहा। और फिर उसके बाद जो उसके 2 साल बाद फिर मैं आया रहा, सर ने मेरे को बुलाया रहा, अपग्रेड हुआ रहा 2021 में पिछले साल, तो मैंने उस क्लास के ज्वाइन पूरा किया रहा 1 मंथ। उसके यहाँ से जाने के बाद मेरे को काफी अपडेट मिला सर, जैसे कि अभी मेरे से सॉफ्टवेयर में हार्डवेयर में बहुत मतलब फाइंड करते आती है प्रॉब्लम्स, और प्लस सॉफ्टवेयर एमएमसी तो मान के चलिए चुटकी का खेल है अपने लिए सर। अच्छा अच्छा जी सर। तो और मैं ये पूछना चाहूंगा अभी कितने दिन हुए बैकअप? दो दिन हुए, आज ये तीसरा दिन है। हाँ, तो कुछ बदलाव आया, कुछ सीखने के लिए मिला है? अच्छा, बदलाव आया सर। तो बैकअप के लिए कभी भी आ सकते हैं या फिर एक साल या फिर कोई लिमिटेड लाइफ टाइम में एक दो बार सर? ऑलवेज आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, स्टूडेंटों के लिए ऑलवेज खुला रहता सर यहाँ का दरवाजा। चलो ठीक है, अपना नाम बताएं। राजेश कुमार बोलता हूं। कहां से आए? यूपी गोरखपुर से। चलो अच्छी बात, तो आप भी बैकअप लेने आए हैं दोबारा से? मैं भी बैकअप लेने आया हूं। तो आपको भी इन्हीं के साथ आए होगी ना? एक दिन पहले आए थे। एक दिन पहले आए थे जी, 4 दिन हो गए आपको? 4 दिन हो गए इनको? 2 दिन? 3 दिन? 3 दिन। तो ऐसा नहीं है कि एक ही साथ आए और अलग अलग भी आ सकते हैं? नहीं नहीं सर, कोई या फिर लेट हो गए थे आप? नहीं, ये लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे, थोड़ा अच्छा 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 अच्छा। तो बैकअप में कुछ मिल रहा है या फिर ऐसा ही है कि पहले लेके ज्ञान फिर बाद में? अब नहीं ऐसा नहीं है। और बैकअप का कुछ चार्ज? कुछ नहीं, फ्री फ्री अनलिमिटेड फ्री। अच्छा, ऑल टाइम कितनी भी बार आ सकती है? एक बार आ सकते हैं। अच्छा अच्छा, टीचर का कहना यह है कि बैकअप के लिए बैकअप मिलता है 9 तारीख को और 23 तारीख। अच्छा 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 जी। चलो सर, मेरा नाम प्रदीप चौधरी है, मैं वाराणसी से जी। तो आप पहले कब कोर्स किया था? 19 अगस्त 2019 में। अच्छा, 2019 में आई थे जी। उस टाइम क्या मान के चलते टेक्नोलॉजी तो चेंज ही होती, इस बार अब क्या अपग्रेड होने आई है? वो डबल टेकर के बारे में नहीं जानता था उसी के लिए। अच्छा अच्छा, सारे लोग डबल टेकर वाले ही है शायद। हाँ, डबल टेकर का ज्यादा अभी रोल है, थोड़ा दिक्कत होता है। तो अभी कुछ सीखने के लिए मिला है डबल टेकर में? पूरा क्लियर हो गया, अब समझ में आ गया, अब कर सकते हैं सुपर जी। चलो ठीक है, अब अभी अपग्रेड के लिए ना, सारे बैकअप के लिए जी। सर मेरा नाम कृष्णा बिंद है, मैं यूपी से हूँ, उत्तर प्रदेश से। यूपी से सारे, मैं भी यूपी से हूँ। कौन सी सिटी से आप? आजमगढ़ से। चलो अच्छा, तो आप पहले कौन सी सन में करके गए थे कोर्स? सर मैं 28 सितंबर में 2021 में गया था। अच्छा अच्छा, तो मैं कोर्स पूरा नहीं हो पाया था मेरा, मैं बीमार हो गया था, इसकी वजह से मैं चला गया था। अच्छा अच्छा, रिटर्न गांव। तो सर उस टाइम आपका पूरा कोर्स नहीं हुआ था? नहीं सर, यानी कि महीने से पहले ही आप? जी सर, मैं बीमार हो गया था तो मैं चला गया, तो फिर मैं आया हूँ इस बार जी। सर मैं जितना सीखा था ना उससे ज्यादा मैं काम करके आया हूँ। अच्छा, जितना सीखा था उससे बहुत ज्यादा किया। और अब? अब तो सीख लूंगा तो पूरा काम कर लूंगा सर। चलो अच्छी बात है। तो पहले आपका ये कोर्स रह गया था, बोल रहे थे कि आप तबीयत खराब हो गई थी और मैं घर चला गया था, तो आपका जो टाइम बचा था, आप फिर से आए हैं 2022 में जी सर। तो इस बार कुछ चार्ज लगा है या फिर कुछ भी चार्ज नहीं है सर? कुछ चार्ज नहीं लगा। चलो अच्छी बात है, चार्ज नहीं लगा। कंप्लीट करके जाओगे? जी सर, अभी पूरा कंप्लीट करके जाऊंगा जी। जी जी। हाय दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र अग्रवाल, ये है जीएसएम राकेश। पहले भाई के चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर देना। बैकअप की क्लास में आए, मुझे बताओ राकेश सर, पीछे ये जो दो लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे, एक बाजू में ले एक और खड़े, एक हमारे और यहाँ पर ये उस्ताद हैं और एक पीछे है हमारे कोहिनूर बोलते हैं उसको जी। और कोहिनूर को देखने के लिए टिकट लगती है, जो है एमडी सर। तो मुझे बताओ, इतने सारे लोगों की टीम है, तो
यही एक इंस्टीट्यूट वह होता है या इंस्टीट्यूट वो होता है जो एक जन चला रहा है, कौन है इंस्टीट्यूट? नहीं नहीं वो तो मान के चलते हम एक एग्जांपल बोलेंगे, जैसे कि कोई भी सरकारी स्कूल है या फिर प्राइवेट स्कूल है, एक टीचर पूरे स्कूल को कंट्रोल नहीं कर सकता है, उसी तरीका से यहाँ पर भी सारे स्टूडेंट ही हैं, वो पढ़ने के लिए आते हैं किस्म से, तो उनके लिए भी अलग अलग तरीका के अलग अलग टीचर होने। आप देखिए सर का जो काम है, सर अपना सर का पूरा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एमएमसी असिस्ट करते हैं जी, पूरे स्टूडेंट को प्रैक्टिकली अटेंड करते हैं। यहाँ पर सर पूरा सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक 10 बजे तक रहते हैं और 11 बजे के बाद 10 बजे तक। सर पूरा एमएमसी प्रोग्रामिंग आप तो इनको जानते होंगे, मिलन सर ये देखें वीडियो देखे ना देखे तो, और ये हमारे दुर्गेश सर ये हमारे सॉफ्टवेयर अटेंड करते हैं। तो इनको इनको हर एक को अपनी फील्ड का उत्तम नॉलेज है क्योंकि ये ज्यादातर अपनी फील्ड में, तो एक आदमी एक सब फील्ड पे काम कर सकता है और नॉलेज ले सकता है, पर एक आदमी अगर एक फील्ड पे काम करता जाए तो उसपे है ना महारत ही हो सकता है ना, पर दूसरी फील्ड में वीक भी हो सकता है, ये भी है इसलिए सब फील्ड में, तो पर ये अपनी फील्ड में इतने महारती है कि इनको हर चीज का नॉलेज है, एमएमसी हो या सॉफ्टवेयर हो, इसलिए पर्टिकुलर अपनी फील्ड में बहुत महारती करेंगे। और एक हमारे एमडी सर है जो ऑल ओवर जिसको हम ऑलराउंडर कहते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर सारे स्टूडेंट हैं वो प्रैक्टिकल लैब में पहुंच चुके हैं, तो ये है प्रैक्टिकल लैब और उसके बाद यहाँ पर मैं दिखाऊंगा कि सारे लोग हैं वो काम कर रहे हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन भी करेंगे जो काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर सारे लोगों के साथ देखा जा रहा है तो एंड्रॉइड फोनों के मदरबोर्ड पर काम कर रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं सारे लोग पर एंड्रॉइड ही है और सारे लोग अभी देख सकते हैं। और यहाँ पर जो बैच है देख सकते हैं सारे लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, सारे लोगों को मदरबोर्ड है वो एंड्रॉइड का ही मिला हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर देख सकते हैं एंड्रॉइड का सीपीयू पर काम कर रहे हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर प्रैक्टिकल क्लास है वो चल रही है और यहाँ पर सबसे पहले पूछेंगे कि अभी कितने दिन का क्लास हुआ है, उसके बाद इन लोगों का यहाँ पर इंटरव्यू लेंगे, कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और क्वेश्चन कुछ देखते हैं कितने दिन का इनका कोर्स कंप्लीट हुआ है और उसके हिसाब से यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। कोई एक बंदा खड़ा हो, कोई भी आप खड़े हो जाओ। आज क्लास को कितना दिन हो गया? 15 डेज यानी कि 14 दिन हो चुके हैं। तो टोटल सर कितने दिन का कोर्स है? एक महीने का तो करीब आधा महीने के करीब हो चुका है। तो यहाँ पर एक कोई अभी कौन सा फोन पर काम कर रहे हैं? रेडमी 6 से मीडियाटेक। जी 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 चलो जो भी है लेटेस्ट फोनों में एक ओवीपी आईसी लगी हुई होती है, कोई बता सकता है वो किस सेक्शन में लगी हुई होती है? OVP IC कोई भी खड़ा होकर एक लोग बता सकता है। EC2DC IC के पास लगी होती है और वो चार्जिंग सेक्शन में लगी होती है। चार्जिंग सेक्शन जी, क्या ये सही बोल रहे हैं? यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन और करूंगा। एक BVAT होती है और एक BPH लाइन होती है जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं, एक किस्म से बोल सकते हैं। तो BPH जो लाइन है वो प्राइमरी लाइन होती है फिर सेकेंडरी लाइन होती है, कोई बता सकता है? सभी लोगों के लिए पता है, किसी को ऐसा तो नहीं है कि नहीं पता हो? चलो ये भी कंप्लीट है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं ग्राफिक्स आईसी में। एक हमारे दो फॉन्ट होते हैं माइनस प्लस, माइन 5 वोल्ट माइनस और 5 वोल्ट प्लस के और 5 वोल्ट माइनस के, तो उनके नाम बता सकता है कोई भी? एक जना खड़ो, BSP BSN आप बार बार बोल रहे हो और किसी को मौका देने दो, कोई आप बोलो। BSP BSN होता है प्लस 5 माइनस 5 वोल्ट, ये इम्पोर्टेंट अंग मान के चलते हैं। अगर इन किसी भी एक लाइन पर वोल्टेज नहीं बनता है, ग्राफिक्स नहीं आ गए, ये सभी के लिए पता है। तो अभी इनकी 14 दिन का क्लास है, कंप्लीट कोर्स नहीं हुआ है, जो भी क्वेश्चन है
वो मैंने यहाँ पर पूछा है, बाकी का यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए पूछे जा रहे हैं कि कुछ लोगों ने वीडियो बना रखा है एशिया टेलीकॉम फ्रॉड है कि वो कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं बताते हैं। इसलिए अब अगली बार अगर हम आते हैं तो एक डेड फोन लेके आएंगे किसी कस्टमर का, और लाइव यहाँ पर किसी भी एक स्टूडेंट से उसे ऑन करवा के यहाँ पर लेके जाएंगे, उसका भी लाइव वीडियो ही बनाएंगे, क्योंकि और लोगों के लिए भी पता चले। और आप में से मैंने नंबर नोट करा लिए हैं, कोई भी नया स्टूडेंट आना चाहता है तो वो आप पर कॉल करेगा, उनका बिल्कुल हकीकत बताना है, यानी बिल्कुल भी नहीं छिपाना है कि आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, जो है रियलिटी वो ही आपको उनको बताना है जिस किसी बंदे पर कॉल आती है। अगर ज्यादा परेशान हो तो एक दूसरे का बंदा का नंबर दे देना, क्योंकि हो सकता है कि ज्यादा लोग भी कॉल कर सकते हैं, बोर हो जाए बार बार। तो आज के लिए इतना ही, तुम मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हम भी थोड़ा लेट हो रहे हैं। केस स्टडी देख रहे हैं अभी, डायग्राम्स कर रहे हैं सारे सेटों को, ठीक है, जो सेट उसमें से होगा वो सेट बनाएंगे, एक सेट बनाएंगे और पूरा ऑन करेंगे, तो एक बहुत अच्छा ही सेट बनाएंगे जिससे हमारे को एंडलेस नॉलेज मिलेगा। पावर आईसी रिवॉल्व करके वो सब रिवॉल्व करके तो हम सेट बनाएंगे। सो आप दीपक सर इसका पोर्ट चेक कर रहे हैं, देखिए, सो इसका ईडियल पॉइंट दिखाओ, ईडियल पॉइंट क्या देखा आपने यहाँ पर, रेडमी वाई टू। अब एक बार ये चेक कर रहे हैं कि पोर्ट क्यों नहीं बन रहा है, तो एक बार इसमें चार्जर लगा के EDL वोल्टेज चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, लिखो पोर्ट नो पोर्ट, लिखो नो पोर्ट, इसमें पोर्ट नहीं बना, चेक किया देखा। अब बताओ क्या चेक करना है, डाटा माइनस बैलेंसर, सीसी पे आ जाओ, सब लोग ध्यान दो, डाटा प्लस डाटा माइनस वोल्टेज चेक करेंगे, पहले देखेंगे 5 वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले 5 वोल्टेज देखेंगे इनपुट, क्योंकि यहां पर सीसी ही खराब है, सब लोग ध्यान दीजिएगा, ये लिया, और चेक करेंगे 5 वोल्ट, कोई वोल्टेज नहीं यहां पर, ये कैपेसिटर भी चेक करो यहां पर, मतलब 5 वोल्ट ही नहीं आ रहा है, इसका मतलब सीसी क्या है बताओ, अगर मैं समझ आ रहा है, अब आपको 3 जंपर मारने हैं, कौन कौन से जल्दी बताओ, मार दो नीचे ही मार दो, सो देखो अब हम यहां पर ऊपर टेस्ट पॉइंट में मार देंगे, यहां पर टेस्ट पॉइंट में ले लेंगे यहां पर, तो यहां पर हम अपना टेस्ट पॉइंट के हिसाब से 3 जंपर उठा लेंगे, थोड़ा थोड़ा चेक करना ही करना है जी सर, क्यों अभी भी बात जाना, अगर बक बन रहा है इधर देखो, यस सर, अगर बक बन रहा है और एलडीओ नहीं बन रहा है तो ऑटो पोर्ट आएगा, ये फोन ऑटो पोर्ट बनाएगा, अपने आप खुद से पोर्ट बनाएगा जी, चलो बन गया पोर्ट, यस सर, ठीक है। अब दीपक सर यहां लाओ, अब इस फोन को फ्लैश करेंगे, देखेंगे ईएमआई आए, पर इसका एक बार ये चेक कर, ये हमने कैसे चेक किया समझना, इसका एलडीओ वोल्टेज चेक करना है, क्या चेक करना है, एलडीओ वोल्टेज, तो एलडीओ वोल्टेज ऐसे चेक होता है, यहां पर थोड़ा सा हाइड करके भी डाल देंगे, ये हमें क्लास में खोल के नहीं बताना है, तो देखिए यहां पर ईएमसी उतार रहे हैं, एम्बेडेड मल्टीमीडिया चिप पैकेज, ईएमसीपी सैंडिक्स का लगा हुआ है, यह है BJ254, कौन सा बीजी है, BJ254, अगर एक एमएमसी को प्रोग्राम करने के बाद ओके कंडीशन में लगाने के बाद बार बार लगा रहे हैं फिर भी यही रीडिंग आ रही है तो ये रैम का प्रॉब्लम हो सकता है, ध्यान देना आपको एमएमसी चेंज ही करनी है, क्योंकि एमएमसी के अंदर सर ने पहले बोला एमएमसी अकेली नहीं है, एमएमसी के साथ में क्या हुआ है, रोम और रैम,
तो इसका बेसिकली रोम जो है, इसका जो रैम है वो भी खराब हो सकता है। हम एमएमसी के पार्ट को चेक कर सकते हैं, रैम के पार्ट को चेक नहीं कर सकते, ध्यान देना। सो यहाँ पर ये जो भी डाटा आएगा ये एमएमसी का आएगा। अब इसको पता चलेगा, मिलन सर एक्सप्लेन करेंगे कि लॉक सीट में क्या आना चाहिए। देखिए, हमने एक आईसी कनेक्ट किया और ये आईसी जो है ये कनेक्ट हो गया है, देख सकते हैं। और यहाँ पे इंफॉर्मेशन में आया है, जो भी इंफॉर्मेशन में है हमारी मैन्युफैक्चर आईडी ओके है। मैन्युफैक्चर आईडी में हम देखते हैं जनरली कि ब्रांड का नाम आना चाहिए। अगर यहाँ पे आ गया आपका अननोन लिख के आ गया तो उस आईसी को आप रिपेयर नहीं कर सकते हो, वो डैमेज है। उसके नीचे प्रोडक्ट है, ये सारी चीज क्लास में एक बाय एक हम चेक करते हैं। अब यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एंड्रॉइड इंफॉर्मेशन आना चाहिए, मतलब इस आईसी के अंदर जो सॉफ्टवेयर है, फ्लैश फाइल, जो फ्लैश फाइल है वो वॉइस है, ये आना चाहिए, ये है नहीं यहाँ। बिल्कुल ठीक है। और हम एक चीज और देखेंगे, यूजर पार्ट में आएंगे और यूजर पार्ट में यहाँ पे आपके पार्टीशन बनना चाहिए, पार्टीशन पूरा प्राइमरी जीपीटी और बैकअप जीपीटी के पार्टीशन होना चाहिए और ये पार्टीशन बिल्कुल ब्लैंक। ठीक है, अब इस आईसी अभी तो पता चला कनेक्ट तो हुआ है लेकिन पूरी तरीके से ब्लैंक है, क्या है, खाली है, इसके अंदर कुछ नहीं है। अब इस आईसी को हम टेस्ट करेंगे, क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। सबसे पहले तो मैं इसका तो स्मार्ट रिपोर्ट लूंगा, सबसे पहले क्या लूंगा, स्मार्ट। अब स्मार्ट रिपोर्ट में देख सकते हैं यहाँ पे एसएलसी मेमोरी खराब हो चुका है। एसएलसी मेमोरी क्या होता है, एमएलसी मेमोरी क्या होता है, ये क्लास में है। एसएलसी मेमोरी सिंगल लेयर सर्किट और एमएलसी मेमोरी मल्टी लेयर सर्किट, और एसएलसी मेमोरी जो बना हुआ होता है बूट वन और बूट टू आरपीएमबी सेक्शन। आपको हमें सेट की फोटो और आपको हमें बता, जैसे आपने से कोई मांगा सर रेडमी 7 इंजीनियरिंग फाइल चाहिए, तो आपको हमें व्हाट्सएप पर सेट की फोटो देनी होगी, एमएमसी की लॉक सीट देनी होगी, उसके बाद ही आपको इंजीनियरिंग फाइल मिलेगी। ठीक है, ठीक है। बैकअप से आने से पहले नहीं, एक्सेल टेलीकॉम ज्वाइन करने से पहले और आने के बाद कमाई में अंतर बताओ, कमाई बड़ी की नहीं बड़ी बताओ, क्योंकि अफकोर्स है नॉलेज मिला है, जो लाइन नहीं बना पा रहे वो लाइन को बना पा रहे हैं, जो फॉल्ट नहीं बना पा रहे वो फॉल्ट को बना पा रहे हैं, सीपीयू एमएमसी के पास काम कर पा रहे हैं, तो कमाई तो बढ़ेगी ना। दिमाग में कंसेप्ट रखने के लिए तो सर इसमें चेक करते हैं, पहले क्या ये कौन 0.09 पे स्टक हो रहा था, ध्यान दीजिएगा, बताना चालू हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पे पावर पे हीट क्यों नहीं थी, जल्दी बताओ। क्योंकि अब हम नॉर्मल टेक्नीशियन नहीं है, अब हम स्किल्ड टेक्नीशियन है। क्या हमको पता है कि पावर पे हीट देने से सेट चालू नहीं होता,